हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस, जो ऑल अबाउट का नया चैनल है एसएससी और आरआरबी के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के, जिसका पार्ट वन हम कर चुके हैं और यहाँ पे अब हम पार्ट टू डिस्कस करते हैं। तो अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो एक बार आप जाके देख सकते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप कोई भी नए वीडियो या नए नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिस ना कर पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर द ओरल पोलियो वैक्सीन, मौखिक पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन वन, जॉनस सॉल्ट। जॉनस सॉल्ट जो है, उन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया, इसकी खोज की। ठीक है, अगला देखते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर ह्यूमन स्कल हैज, ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, आपको ये बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, 22। मानव खोपड़ी में, मतलब ह्यूमन स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं। ओके, अगला देखते हैं। डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, आप सभी को पता है कि कुत्ते के काटने से हमें रेबीज हो जाता है, तो आपको बताना है बाइट ऑफ विच अदर एनिमल कैन ऑल्सो कॉज रेबीज, मतलब और किस एनिमल के काटने से आपको रेबीज हो सकता है। तो अभी आपको सिर्फ डॉग का ही पता होगा, कुत्ते का पता होगा, पर अब आपको बताना है कि और किस अन्य जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, बैट। बैट मतलब चमगादड़, तो जो चमगादड़ होती है, मतलब बैट होती है, उसके काटने से भी आपको रेबीज हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं। विच इज द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इन टू अ न्यूली बॉर्न बेबी, एक जो नया न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसमें पहली वैक्सीन कौन सी इंजेक्ट की जाती है, नवजात शिशु में पहला टीका कौन सा लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन वन, BCG, बेसिलस कैल्मिड्यूरिन। बेसिलस कैल्मिड्यूरिन करके एक वैक्सीन है BCG, जिसकी फुल फॉर्म, मतलब जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BCG, ये न्यूली बॉर्न बेबी में सबसे पहले इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, ये पहली वैक्सीन होती है। जेम टी वॉटसन अ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ वॉट, जेम टी वॉटसन जो है वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक है, वो किस क्षेत्र में विशेषज्ञ है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन टू, जेनेटिक्स, वो जेनेटिक्स में है। ठीक है, वो एक्सपर्ट है जेनेटिक्स फील्ड में। ठीक है, अगला देखते हैं। वॉट इज द नेम ऑफ हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, उस हार्मोन का नाम क्या है जो ग्लूकोज के अमाउंट को रेगुलेट करता है ब्लड में, उस हार्मोन को क्या कहा जाता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? उसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, इंसुलिन। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल भी जो होता है ना, उसको भी रेगुलेट करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला देखिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, नेफ्रोन। नेफ्रोन किडनी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है ना, ये सब पूछ ली जाती है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट स्लीप, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट स्लीप को रेगुलेट करता है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग नींद को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन टू, पीनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो होती है, मतलब ग्लैंड को हम हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि, ये हमारे ह्यूमन ब्रेन में, ये ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है जो स्लीप को रेगुलेट करता है, नींद को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन वन, लिवर। लिवर है जो ये काम करता है, मतलब लिवर एक ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट लाइक हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, इनमें से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पार्ट टू खत्म होता है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे कोई भी वीडियो हमारे चैनल से मिस ना कर पाएँ।